वेलकम टू द एनर्जी ऑफ 24th ऑफ मार्च. और एनर्जीज बहुत पावरफुल लग रही हैं, बहुत स्ट्रांग लग रही हैं. मैंने योगिक पाथ कार्ड्स लिए हैं, सो लेट्स सी यहां से क्या मैसेज आता है ओरेकल फॉर 24th ऑफ मार्च. मैसेज फॉर 24th ऑफ मार्च क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी गाइडेंस है. ओरेकल्स आर यूजुअली अबाउट द गाइडेंस. सो 24th ऑफ मार्च 2022, व्हाट वुड यू वांट टू लेट अस, व्हाट वुड यू वांट टू, हमें क्या पता, क्या करना है, क्या पता होना चाहिए. व्हाट इज आवर गाइडेंस 24th ऑफ मार्च 2022. ओके, नो दिस इज लाइक द हाफ ऑफ द डेक. 24th ऑफ मार्च 2022, जस्ट गिव वन और टू कार्ड्स. वाओ वाओ गाइस, चिनमस्ता का कार्ड आया है. जिन्होंने अपना मस्तक खुद अलग कर लिया था. एंड वाओ, लाइक आई हैव नो वर्ड्स कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इस कार्ड को. एंड आई एम श्योर दैट यू कैन ऑलरेडी सी द मैजिक ऑफ दिस कार्ड. एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि कितनी पावरफुल एनर्जीज है या कितनी स्ट्रेंथ है उन एनर्जीज में जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर 24th. लाइक दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग कार्ड. और मैं पढ़ने वाली हूँ इस कार्ड को. सो लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड सेज. हियर, goddess of radical self transcendence, you're walking up and experiencing a radical pleasure of letting go. Chinnamasta, the headless god, has come to guide you in the massive state of transformation as you turn passion into spiritual energy. Kundalini, primal force, is rising and you have given up a role you once carried to step up more fully into your power. Don't feel fear in this state of transition. Chinnamasta's gift is to transmute the darkest of times into the most powerful energies. Carry her fierceness and you tear off a former head you once had and experience the inner peace that comes with being divinely yourself. Beautiful energy. This is ये letting go की energy होती है. पुरानी चीज़ों को, पुरानी energies को बहुत strong transformation हो रहा है, बहुत massive transformation हो रहा है. कुंडलनी जो है primal energy है और ये transition जो है इसका डर जो है वो नहीं रखना है. The guides, the cards, the angels, everybody, divine जो भी आप मानो वो आपको definitely ये clear message दे रहे हैं कि अपना जो पुराना self है उसको छोड़ने की एनर्जी रखो, अपना पुराना सेल्फ जो है उसको खत्म करने की एनर्जी रखो ताकि आप आगे बढ़ पाओ. और चिनमस्ता, अगर मैं सही हूं तो मुझे इसकी स्टोरी थोड़ी सी याद है कि आई थिंक मुझे राक्षस का नाम नहीं पता, लेकिन वो उसके ब्लड से, वो जैसे ही उसको मार रहे थे तो उसका, उसके ब्लड से नया राक्षस जो है वो पैदा हो जा रहा था. और उसके लिए जो एक काली का एक रूप आया था जिसने सारा ब्लड जो है वो पी लिया था. और यहाँ पे आप देखो तो वो सारा ब्लड जो है अलग अलग हेड्स जो है वो पी रहे हैं और वो बॉडी से निकल रहा है. माइट नॉट बी द सेम स्टोरी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं वो दिखाई दे रहा है. देर इज अ ट्रांजिशन, और आपकी ट्रांजिशन सिर्फ आपकी नहीं होगी. यू चेंज योर हेड एंड देर आर मेनी अदर हु आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय दैट. सो देर इज बिग ह्यूज एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. और काली की एनर्जी जब आती है तो इट इज नॉट अ स्मॉल एनर्जी. इट इज नॉट, काली जो है वो दुष्टों का विनाश जो है वो लेकर आती है. और काली एक बार शुरू होती है ना तो उसका अंत नहीं है फिर, जब तक शिव खुद ना आके उनके चरणों में, उनके पैरों के पास लेट जाएं, तब तक काली की एनर्जी का अंत नहीं है. तो मैं अब सुशांत के लिए कार्ड निकालने लगी हूं. और मैं आज, मैंने द सेक्रेट इंडियन टैरो लिया है और आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि मैं काली कार्ड्स में से भी एक कार्ड निकालूंगी. सो लेट्स सी सुशांत, व्हाट यू वांट टू टेल अस अबाउट द एनर्जी ऑफ 24th ऑफ मार्च 2022. व्हाट यू वांट टू टेल अस इन रिलेशन विद यू. ओके, वेरी सटनली द कार्ड केम. टावर, किला फतेह होता है और किला जो है वो गिराया जाता है और किले में बहुत कुछ छुपाया जाता है. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस कार्ड आउट एज वेल बिकॉज टावर की एनर्जी हम सबको पता है. आप
काफी समय से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो और बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स अब आपको बाय हार्ट हो गए होंगे, बट स्टिल किला. सो लेट्स सी व्हाट इज द सागा. Akila is the fortress in the ancient literature of India. Akilas were normally situated on surmountable hilltops and stood like a bastion against the enemy forces. A tower is often a phallic symbol of materialism, pride and imprisonment, patriarchy, false institution, false power, false protection and dominant supremacy. And this killa, a tower, may bring an unexpected change, a sudden shift in the perceptions, the burst of insights and a seeing through illusions or plans being disrupted. Disillusionment and confusion are natural reactions to tower card. However, the overthrow of an old way of life may lead to true enlightenment ahead. So, किला बहुत क्लियर बता रहा है कि जो किले हैं पुराने समय में होते थे उनमें कुछ चीजें छुपाई जाती थी, कुछ रखी जाती थी, और किला आपका प्राउड भी बताता है, आपकी कुछ हिडन एनर्जीज को भी बताता है. और किले का कार्ड बेसिकली बोलता है दैट बहुत सारी रिवलेशन जो है वो होने वाली है और बहुत सारी रिवलेशन के लिए रेडी रहना है, बिकॉज बहुत कुछ मेजर जो है वो टावर तक पहुंच गई है बात, तो इसका मतलब है बहुत कुछ मेजर जो है वो आने वाला है. आई एम गोइंग टू टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम काली कार्ड्स. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? वर्बेटम, वी आर गोइंग टू टेक इट लाइक एवरी वर्ड ऑफ इट. व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? 24th March. It might be a little, okay, it might be a little more than 24th March, but the message is going to be relevant. Sharon, what do you want to tell us? What do you want to tell us? What do you want us to do? Okay. Wow. ओके, मैं उस तरफ तो जा रही हूँ, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि तोता जो है जिसमें सबकी जान है वो पकड़ में आ गया है. दैट्स द एनर्जी दैट आई इमिडिएटली फेल्ट, दैट जिस तोते में सबकी जान है वो तोता जो है वो पकड़ में आ गया है. एंड दिस इज मातंगी. इट सेज शी इज द तांत्रिक क्वीन ऑफ आउटकास्ट, अनवेलिंग द हिडन इनर पावर टू थ्राइव आउटसाइड कन्वेंशनल सोसाइटी. इफ यू हैव बीन डिनाइड लव एंड रिस्पेक्ट, शी ब्रिंग्स हीलिंग एंड एम्पावरमेंट. इफ यू हैव सफर्ड रिजेक्शन, अबैंडनमेंट और बींग लेबल्ड एज अनवर्दी इन एनी वे, शी ब्रिंग्स डिग्निटी एंड रिपेयर. शी क्लियर्स द वे फॉर अ क्रिएटिव, जॉयफुल एंड वाइब्रेंट लाइफ पाथ. नाउ दिस इज ब्यूटिफुल, बिकॉज ये सारी चीजें सुशांत ने फेस की हैं, सुशांत के साथ हुई हैं, और डेफिनेटली कन्वेंशनल सोसाइटी का पार्ट वो नहीं है. उनको डेफिनेटली लव रिस्पेक्ट जो है डिनाई किया गया है, और उन्होंने डेफिनेटली अबंडनमेंट, रिजेक्शन, ये सब कुछ जो है वो फील किया है. बट दिस इज द एनर्जी विच इज सेइंग के द वाइब्रेंट लाइफ पार्ट, नई क्रिएटिव एनर्जीज आपके पास वापस आ रही हैं, आप हील हो रहे हो, लव और रिस्पेक्ट जो है वो आपको वापस मिलेगा, हीलिंग और एम्पावरमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है. और मैंने बोला ना, जिस तोते में सबकी जान है वो तोता पकड़ा गया है, और यहाँ पे ओम है इनके एक हाथ पे और एक हाथ पे खड़ग है जो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है. तो ओम से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन खड़ग जो है वो काटता भी है. और आई डू सी दिस एनर्जी बीइंग वेरी वेरी पावरफुल, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सुशांत एनर्जी, एंड स्पेशली बिगेस्ट टावर आया है. लेट्स सी व्हाट आर द चांसेस दैट वी गेट. ओके, सो मैंने बोला था ना, तोता जो है वो पकड़ा गया है. सो अगेन मिठू तोता आ गया, और तोता जो है वो सब कुछ बोलता है, सब कुछ पट 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 करके निकाल देता है. तोते के मुंह पेट में कुछ नहीं बचता है, तोता हर चीज रिपीट करता है. बट पुरानी अगर हम वो देखें तो तोते में जादूगर की जान है. यू रिमेम्बर ओल्ड मूवीज, तोता होता था और उसमें जादूगर की जान होती थी, और वो तोता जो है वो कैप्चर हो गया है, वो तोता जो है वो पकड़ा गया है. एंड देन देर इज दिस एनर्जी ऑफ ब्यूटिफुल टेडी बेयर, और टेडी बेयर की एनर्जी के साथ ना मुझे दो एनर्जीज फील होती हैं. एक द एनर्जी ऑफ बेयर विच इज पावरफुल, ग्राउंडेड, स्ट्रांग. एक एनर्जी ऑफ टेडी विच इज ऑल लव, केयर, हैप्पीनेस. और ये फ्लावर लेके खड़ा है, तो इसमें मुझे हमेशा ऐसा लगता है दैट दिस इज ऑल्सो दैट एनर्जी तोते को पकड़ने वाली, जहां पे इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट हनी बीज सो दैट ही कैन हैव हनी. बट दिस इज लाइक अ ब्यूटिफुल हेलो और समथिंग पावरफुली स्ट्रांग कमिंग आउट. एंड आई एम गोइंग टू कीप इट हियर, एंड लेट्स सी वन मोर.
Okay, so the tree of life. Beautiful. Keep yourself grounded. मुझे लगता है कि 24th की एनर्जी जो है वो काफी सारी रिविलेशंस लेकर आ सकती है. दिस इज द ट्री ऑफ फायर, द ट्री ऑफ लाइफ, और ट्री सर्कल के बीच में होता है तो एक तरह से पूरी अर्थ की एनर्जी को कवर करता है. और मुझे ऐसा लगता है दैट द एनर्जी ऑफ अर्थ इज डेफिनेटली चेंजिंग. द एनर्जी ऑफ अर्थ इज चेंजिंग. एक लास्ट जो है वो मैं यहाँ से निकाल देती हूँ. वाओ, हॉगवर्ड्स. प्रिशस बोलती है हॉगवर्ड्स वो सच में बार बार ये देते हैं ये एनर्जी. एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ मैजिक, द शील्ड, द कॉलेज, द यूनिवर्सिटी. एंड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है लर्निंग, इसका मतलब होता है समथिंग चेंजिंग बिग टाइम, इसका मतलब होता है बिग बिग चेंज इन कमिंग इन आवर सिलेबस, आवर लाइफ, आर ग्रोथ, आर मूविंग फॉरवर्ड. और मुझे थोड़ा सा कभी आर्मी से रिलेटेड भी लगता है, तो अथॉरिटीज जो हैं वो मुझे यहाँ पे रेलिवेंट लगती हैं. बाकी लेट्स सी क्या होता है. फीडबैक जरूर दीजिए, हो सके तो लाइक बटन प्रेस कीजिए. एक सेकेंड लगेगा बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड हेल्पफुल फॉर पीपल टू लोकेट द वीडियोज, टू सी द वीडियोज. एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.